नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताने के लिए। भारत देश उत्सवों का देश है, आनंद का देश है। हमारे जीवन में नव जागृति लाने के लिए उद्देश्य से भारतीय संस्कृति को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर हर दिन में कोई ना कोई ऐसी जीवंत संस्कृति की बात शायद किसी और संस्कृति में नहीं की जाती। हमारे यहाँ जयंती मनाई जाती हैं, निर्वाण दिवस नहीं मनाया जाता। किसी भी अवतार का निर्वाण दिवस का आख्यान आपको शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, वैसे तो मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आए सब चले गए, सबको जाना निश्चित है, लेकिन शास्त्र में किसी भी कथा में निर्वाण दिवस भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति में मनाने की परंपरा नहीं है। क्योंकि ये जीवंत संस्कृति है, जीवंत आनंद की संस्कृति है, उत्साह की संस्कृति है। हर रोज एक नए उत्साह के साथ हम जीवन को आरंभ करते हैं। भगवान सूर्य जो उपस्थित होते हैं, हर रोज एक नई स्फूर्ति नया संचार उदय लेकर उपस्थित होते हैं। कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है वो देव दिवाली के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि इस तिथि को विशेष तौर पर संपूर्ण जगहों पे, भारत में तो क्या पूरे विश्व में देवता आते हैं धरती पर और आकर देखते हैं, उनके स्वागत के लिए गंगा स्नान के लिए तो विशेष तौर पे इस त्यौहार को माना जाता है कि देवता भी गंगा में स्नान करके, क्योंकि स्वर्ग से जब गंगा यहाँ आ गई तो वहाँ तो रहा नहीं, तो मोक्षदायिनी जो गंगा है वो भी जीवन में मोक्ष को प्रदान करने का जो योग बन सकता है वो स्वर्ग में नहीं बन सकता, यहीं बन सकता है। तो इस गंगा जी का स्नान करने के लिए देव दिवाली के दिन कहा जाता है कि देवता भी यहाँ आते हैं और गंगा जी का स्नान करते हैं। इसलिए संपूर्ण गंगा के घाटों को सुंदर तरीके से दीपों की माला बनाकर आच्छादित कर दिया जाता है। आज इस कलिकाल में भगवान राम की उपस्थिति जब जिस दिन वनवास समाप्त करने के कारण से अमावस्या के दिन हुई, तो उस दिवाली को तो भगवान के आनंद स्वरूप मनाया जाता है, लेकिन वास्तविक देव दिवाली कोई है जो आदि परंपरा से भगवान राम से भी पहले कुछ चलती आई है, वो है ये आज जो विशेष तौर पर कार्तिक मास की पूर्णिमा, जिसे गंगा स्नान कहा भी जाता है। और उस दिन कार्तिक के महीने में विशेष तौर पर कई बार योग बन जाता है, कार्तिक के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक नक्षत्र पड़ जाता है तो महाकार्तिकी बन जाती है। और उस दिन विशेष तौर पर स्नान करके कहा जाता है कि दीप दान करके आप समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बना सकते हैं। गंगा का स्नान बड़ा कल्याणकारी होता है। इस बार तो उस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है तो कई गुना अधिक प्रभावशाली ये तिथि हो गई है। तो इस दिन भगवान चंद्रमा के निमित्त जो कष्ट को हरने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए हम सब जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग शास्त्र में बताए गए, उन सबको करने से अद्भुत प्रकार से जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। शास्त्र में तीन प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं जो अवश्य करने चाहिए ग्रहण के समय में। इस बार तो खासतौर पर कर लीजिएगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा और उस पर से चंद्र ग्रहण, कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में इतना सिद्ध योग है कि देव दिवाली यानी देवताओं जिनका सानिध्य प्राप्त करने के, जिनको प्रसन्न करने के लिए हम उनका ध्यान करते हैं, उनके लोक में ध्यान से जाते हैं, आज वो स्वयं इस दिवाली देव दिवाली के दिन इस धरा पर उपस्थित हो रहे हैं। और ऐसे में यदि जहां वो उपस्थित होंगे वहां जाके स्नान करेंगे, ऊपर से चंद्र ग्रहण रहेगा, तो इससे सुंदर योग क्या हो सकता है। कहा जाता है कि ग्रहण में जो कार्य करते हैं उसका सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो ग्रहण के समय में दान, स्नान और यज्ञ, ये तीन कार्य सबसे प्रशस्त किए गए हैं। तो इस समय कोशिश करें इस ग्रहण काल में, इस शुभ योग में आप अवश्य आप लाभ लेने के लिए भगवान का ध्यान करते हुए इस कार्य को करें, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे।